एरिना टेलिभिजन देखिरहला सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी दुई हात जोडीके नमस्कार गर्छौँ। तोर्सिन देखिरहला छ अखने एरिना टेलिभिजन मिडिया फर युथ विभिन्न केबल अपरेटर माध्यम से हाम्रो सिनके देशभर कम्पनी क्लियर टिभी सिम टिभी डोइन टिभी मार्फत से हाम्रो सिनके देशभर देखिरहला छ। ओइनन गरिके www.erinatelevision.com.np लगन गरिके तोर्सिन संसारभर लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा देखि सक्छै। आज रवि दिन छिकी सुरु भएको तोरे सियानके मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हाम्रो समाज साथ दिएर आलोचनामे तोरे सियानके सँगमे निरज खवास क्यामेरा दिशन साथ दिएर आलोची जयराज राजवंशीजी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहछिन्। इटा कार्यक्रम हाम्रो समाजमे कुन कुन हेछि हामी सबैसे पहिना जानकारी देबे चाहछौँ। इटा कार्यक्रममे थारू समाजमे सङ्घर्ष करते हल विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगैके बातचित आर ओइन गरिके एकटा विषयवस्तु ल्याके विभिन्न गाउँमे थारू समाजके गाउँमे जाके यहाँ एकटा विषयवस्तुमे रहिके बातचित करबु जेकि आर ओइन गरिके बढिया बढिया गीत सङ्गीत सुनाएके भी तोर सियानके हामी मनोरञ्जन दिलतै एलुस। आज हामी स्पार्क एडभर्टाइजिङ स्टुडियोके प्राङ्गणमे छुन् जेकि आज यतेकरा थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगरके बैठक हाबि रहल छ जेकि एउटा बैठक कुन के नै हाबिके थारू सिङ्गिङ आइडलके बैठक हाबि रहल छ। बहुत जल्दी थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर थारू सिङ्गिङ आइडल निकालि रहल छ जेकि थारू समाजमे घुस्कल कहने गायन सम ओकरसिन कहम बहुत प्रयास गरिरहल छ। एउटा थारू सिङ्गिङ आइडल निकालिके जेकि ओकरसिन इना दर्शकके श्रोताके निकालेके प्रयास गरिरहल छ थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर जेकि आज यहाँको बारेमा हामी गपसप गर्बु जेकि आज यतेकरा एउटा कम्पनी एउटा प्राङ्गणमा आज बहुत कलाकार सम उपस्थित छ जेकि यहाँको सल्लाह सुझावके लागि किनके आगु बढ्ती किनके कुन गर्वी कहिके यहाँको बारेमा कम्पनी आज बैठक हाबि रहल छ जेकि हामी तोर्सिनके लगिन अखने एउटा कार्यक्रम एउटा बैठकके एउटा छुम्मा फुटेज देखाबे चाहछुन्। एउटा फुटेजके बाद जेकि जयप्रकाश चौधरीके पहिनकर एल्बम अप्सरा से लेल एउटा सुनके फल्नी बोलके गीत तोर्सिनके देखाउ। एउटा गीतके बाद एउटा छुम्मा व्यापारिक विश्राम लेबु। व्यापारिक विश्रामके बाद फेन्से स्वागत हामी करबे करबु। एउटा थारू भाषा कार्यक्रम हाम्रो समाजमे देख्ते रहन एरिना टेलिभिजन। असल हक पारा छो काम हमर सुन के फलनी बात असल हक पारा छो काम हमर तोरा देखलियो चिमड़ी हाथ में मस्की मस्की चल छे बात में ए तोरा देखलियो चिमड़ी हाथ में मस्की मस्की चल छे बात में फलनी बात असल हक पारा छो गम हमर सुन के फलनी बात असल हक पारा छो गम हमर We'll be right back.
सजते भेट में आँखी से आँखी मिला हमर दिल पे तो हर जादू चलल हंसते भेट में आँखी से आँखी मिला हमर दिल पे तो हर जादू चलल तोरे नाम के रट्टा लगने जपै छियो हम दिन रात तोरे नाम के रट्टा लगने जपै छियो हम दिन रात तोरा देखलियो चिमड़ी हाट में तोरा देखलियो चिमड़ी हाट में मस्की मस्की चल छे बाट में मस्की मस्की चल छे बाट में सुन के फलनी बात असल हक पारा छो काम हमर सुन के फलनी बात असल हक पारा छो काम हमर तोरा देखलियो चिमड़ी हाट में मस्की मस्की चल छे बाट में तोरा देखलियो चिमड़ी हाट में मस्की मस्की चल छे बाट में सन रूप छो तो है तोहर देह के खुशबू गम को चारो महर ए रानी गुलाब फूल सन रूप छो तो है तोहर देह के खुशबू गम को चारो महर बुझला यह देह के गमक सुनी के हमरा सब कर छो गन गन यह देह के गामक सुनी के हमरा सब कर छो गन गन तोरा देखलियो चिमड़ी हाट में तोरा देखलियो चिमड़ी हाट में मस्की मस्की चल छे बाट में हे मस्की मस्की चल छे बाट में सुन के फलनी बात असल हक पारा छो काम हमर सुन के फलनी बात असल हक पारा छो काम हमर तोरा देखलियो चिमड़ी हाट में मस्की मस्की चल छे बाट में कार्यक्रम के पानकर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरीसियान के मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छू हमें तोरीसियान के संग हमें नीरज खवास अखनी हमरा इतना खाना कैमरा दिशन साथ दे रहा छी हमरा जय कुमार राजवंशी जी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछन आज जे कि हमर समाज थारू भाषा कार्यक्रम छायांकन के क्रम में स्पार्क एडवर्टाइजिंग के स्टूडियो में छिन जे कि आज आज ये करा थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के कमी एक मीटिंग बैठी रहा छी बैठक हावी रहा छी जे कि यहाँ बैठक में थारू समाज में कहम थारू फिल्म में खेल बहुत नायक नायिका कलाकार सब आज ये करा उपस्थित छी आज ये करा रही के थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर भखरे संचालन में छी जे कि बहुत जल्दी भी ओगर सिंह के जानकारी अनुसार बहुत जल्दी थारू समाज के लागी पैनकर प्लेटफॉर्म जे कि थारू आइडल निकाले के प्रयास में छी यहाँ के प्रयास करे लगनी जे कि आज बहुते थारू कलाकार सब आज स्पार्क एडवर्टाइजिंग स्टूडियो में उपस्थित छी बैठक भी हावी रहा छी
यहाँको बारेमा आज कम्पनी आज एउटा थारू समाजमा पहिलो चोटि प्लेटफर्म आवि रहल थारू आइडलको बारेमा जानकारी लेबु आर थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगरको बारेमा भी हामी विशेष जानकारी लेबु विभिन्न कलाकार अपन सिके थारू समाजके कलाकार सँगसँगे देखि यहाँ क्रममे हामीसँग अखने बातचित जोडे लग्ने अखने हामीसँग रहल छ कम्पनी तिन चार फिल्म खेलिरहल छ जेकि ये अखने अन्तिम अन्तिम दिशनके फिल्म जेकि कम्पनी घरके चिर्खाके फिल्मके नायिका अखने हामीसँग उपस्थित छ जे वे कोही नै हाबीके वे रहल छ लक्ष्मी चौधरीजी हामी ओकरा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु लक्ष्मीजी स्वागत छ धन्यवाद कन्जी अपन बारेमे कहिदै नि अपन बारेमे कन्जी कहिदै कुन करिरहल छ अखने कुनमे व्यस्त छ ए अखने तत्काल तऽ हम खासे उतना तऽ बिजी नहिए छी कहि पड़लहुँ अपन बारेमे कहि पड़लहुँ तऽ हम पहिनकर फिल्म घरके चिर्खा सिन शुरुआत करने छी ने घरके चिर्खाके बाद भाग्यके रेखा सङ्घर्ष जिन्दगीके पिया निर्मया आओर एकटा हिस्टोरिकल नेपाली मुभीमे भी काम करल छिन सुखानी शहादत आओर हल्का फल्का नेपाली म्यूजिक भिडियो लोक आधुनिक गीत सबमे काम करल छिन रखने खास अब फैमिली लाइफमे बिजीके आर व्यापार बिजनेसमे बिजीके भी फिल्म लाइनमे ओतने टाइम नहि दए रहल छिन लेकिन तैयो पर भी अखने काम करि रहल छिन तत्काल नेपाल वनमे भी हमर प्रोग्राम अखनो तक थारू प्रोग्राम आबि रहल छै 10-11 वर्ष अहिले ओते नेपाल वनमे काम करल आओर अखने तत्काल कृषि टिभीमे भी कार्यरत छिन अखने कम्पनी अखने एकर बारेमे हम गपसप करे जा छुन जेकि अखने एउटा स्पार्क एडभर्टाइजिङ स्टुडियोमे थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगरके स्थापित हाबेके क्रममे छ यहाँके बैठक बैठिरहल छ जेकि थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर बहुत जल्दी थारू आइडल निकाली रहल छ इटाके बारेमे आर थारू कला प्रतिष्ठानके बारेमे कुन कहे चाहे आओ सबसे पहिने तऽ इटा जे सोच राखिके थारू कला प्रतिष्ठान जुन केन्द्र बनल किस थारू स्याके हरेक कला संस्कृति हरेक चीज आगू आना चाही सबै चीज लोप हेतै जा रहल छ एकर आओर झल्काबे लग्ना एकर संस्कृति वेशभूषा हरेक चीज जुन हरा रहल छ एकरा फेरसँ आने पर्तै कहिके जुन एकटा सोच लैके अगाडि बढि रहल छ थारू कलाकार थारू कला प्रतिष्ठान केन्द्र जुन एकर लागि बढ़िया सोच आनीके प्रबलदीप जी आओर देवकृष्ण विश्वास एलएन चौधरीके सबसे पहिले बहुत बहुत धन्यवाद आओर सम्पूर्ण एउटा टीममे मिलिके आगू बढ़ि रहल सम्पूर्ण व्यक्ति सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे लग्न चाहन्छन् आओर एकर कुन सोच छ कि जुन अखने पूर्व मेची सिन लैके महाकाली तक 22 जिल्लामे थारू सब आधारित छ 22 जिल्लाके हरेकके वेशभाषा रहन सहन कला संस्कृति लगभग बहुते फरक छ लेकिन पश्चिमके थारू सब देख्छिन बहुत एक्टिव हाबीके नै एकदम हरेक प्रोग्राम सबमे एकदम कहम नै मिडियामे हरेक समय पत्र पत्रिकामे एछे त उमरकर डिमान्ड पश्चिमके आर चितवनके अतना डिमान्ड भए गेल छ कि एकदम थारू कहिके उमरकर ड्रेस सब देखल छ इटा इटा एकदम मतलब उमरकर थारू ना करसे एकदम खुशी वाला गर्व करसे उटामे पश्चिमके थारू कम से कम त अपन कला कलासके अपन पहिचानके लागि अतना जोर जार लागि पड़ल छ लेकिन उमरकर थारू एकदम सुस्त देखि रहल छ क्या कहो करसे त सायद हतपत नै बुझ्छे कि कुन नै एकदम स्लोके गतिमे जा रहल छ कि लेकिन एकर लागि कजान अब भर्खर यङ जेनेरेसन सब जे सब इटामे लागल छ सम्पूर्ण कलाकार नै के यहाँ कहि चाहन्छन् एकदम बुझी सुझीके जुन अखने थारू आइडलके लागि आजके मिटिङ छले जुन सोच देखनिस आओर समाजसेवी प्रति भी भावना देखनिस आओर इमहरकर भी थारू नैके आगू बढे पर्तै इमहरकर भी जुन पौराणिक जनेकि पहिले सामचक खेलैक आर धुमरा नाच खेलैक बिहामे गीत गाबैक उनाना सब कुछो हरतै जा रहल एकराके बचाबै पर्तै कहिके इहो हमर भनाइ छै आओर इहो बात भी राखल छै नि आजो हमे लेकिन सबैके सोच एकदम असल छै एक सहमति सिन आगू बढि रहल छै तऽ इएह सिन इटाके बचाबैके लेकिन जुन सङ्घर्ष करि रहल छै इटामे सबके मिलिके करना चाहिँ कदान हार्डवर्क करे लग्ना पर्तै मिटिङ इनकि 11 बजे राख्छै त 1 बजे पुग्छै एउटा दुःख लागेवाला बात छै एने इना टाइम नै हेतै एकदम टाइममे एकदम म्याक्सिमम सही टाइममे 1 बजे देलकै तऽ 1 बजे आना चाहिँ लेकिन किनकि फिक्स टाइम टाइमकै एकदम भ्यालु राख्न एकदम जरुरी छ आर सँगै थारू प्रतिष्ठान कला केन्द्रके यो भी सल्लाह देवे लग्न चाहन्छन् अखने बर्जु गाउँपालिका छ जुन कि अखने नेपालके सबसे बड्का ताल बनिरहल छ 162 बिघामे
और एकरो भी जन सौरा में आकर्षण केंद्र प्राकृतिक रूप में सौरा तो छेबे करे और ऊ ठाम के और सुंदरता आकर्षण करे लगना टूरिस्ट सबके भितरावे लगना जन कि थारू नाच के मेन छे हाँ मेन एकदम भूमिका छे ओहने के बरजूताल के भी और ए ठाम के भविष्य के भी कि कैम के थारू जिला छे थारू के बसोबास छे ईटा बसोबास के आर ईटा भविष्य के अगाड़ी करे लगना और ओकरा बरजूताल के आकर्षण केंद्र बनावे लगना थारू कलाकार और थारू थारू प्रतिष्ठान कला केंद्र के यहाँ सुझाव देवे लगना चाहसिन एथो भी आकर्षण केंद्र बनावे लगना एकदम जरूरी छे और बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहसिन जुन के अपन वेशभूषा अपन रहन सहन अपन जितना कि थारू ना के जुन अखने मुख अखने देखी रहल छिन एकदम खुशी लागले से ये मुख भी देखी रहल छिन मतलब मुख भी बनावे पड़ते क्योंकि अपन कला अपन संस्कृति अपन पहचान नहीं गुमाना चाहिए जुन कि इटा नहीं गुमब कही के आगू बढ़ी रहल छे थारू प्रतिष्ठान कला केंद्र के बहुत बहुत शुभकामना और स्पेशल यो भी सुझाव देवे लगना चाहसिन बरजूताल जुन कि अपन सके परिसर में छे अपन सके जिला छे एकरो भी आकर्षण केंद्र बनावे लगना थारू कलाकार प्रतिष्ठान केंद्र के बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहसिन यह हमार सलाह सुझाव छे। अंतिम में इटा पूर्वांचल से लगभग हमनी पहिन कर बेर टेलीविजन से थारू भाषा कार्यक्रम बरसा नहा भी रहल छे इटा हमार समाज थारू भाषा कार्यक्रम के बारे में कुन कहे चाहे इटा दुख लागे वाला बात छे क्या कि हम एत नहीं रहसिन प्राय करी हम काठमांडू में रहसिन आर उतना व्यस्तता के कारण से खास हम टीवीओ भी नहीं देखी रहल छिन लेकिन आज खुशी लागले कि एथौना थारू आवाज कही के कार्यक्रम प्रसारण हे छे बहुत बहुत खुशी लागल छे और स्पेशल एरिना टेलीविजन के बहुत धन्यवाद क्या कि एक अपन थारू के वेशभूषा पहचान के लागि एक थारू कार्यक्रम दिलगेस ओकरा एकदम हटली नहीं हम शुभकामना देवे लगना चाहसिन और इटा कार्यक्रम प्रस्तुता इटा कार्यक्रम के जे बनल केस जे सोच सेन आ थारू के पहचान के लेकिन थारू के आवाज के लागि ई कार्यक्रम बनल केस एकदम धन्यवाद और विशेष करी कहे लगना चाहसिन जन कि हमें 10-11 वर्ष अखने तलक भी नेपाल वन टेलीविजन में हमार थारू भाषा के कार्यक्रम आबि रहल छे थारू के आवाज के लागि भी हम प्रोग्राम चलन हिस नै सबके लगना देखे लेकिन जुन तरीका से अखने जते थारू कार्यक्रम हे छे एते तक आवे लगना उटा सिचुएशन आर उटा समय दिल के टेलीविजन उ किस्म के परिस्थिति उ किस्म के वातावरण दिल के ई वातावरण हमें आर कुन सलाह देवे लगना चाहसुन कि इटा टेलीविजन के जत्ते जत्ते थारू शिकिर पहचान के लागि प्रोग्राम है जे पूर्व मेची से लैके महाकाली तलिक 22 जिला में थारू सब छे नै हरेक के पहचान खाली ई पूर्व महर करे एते प्रोग्राम से एत करे मात्रे नै हावी के पूरा जितना थारून छे सबके वेशभूषा पहचान केने छे तो अलग अलग आर उना में जने कि पहनकर थारू ना घोंगी सितवा इना खेचे कही के मानुष ना कम ने अन्य जाति के मानुष ने घृणा करे अखने वह एकदम डिमांड के रूप में अल छे कि घोंगी खाए के कुन है एक फायदा कुन छे साइंटिफिक रूप से भी बहुत बढ़िया जुन एखने रिजल्ट अल छे एकरो सबके भी इटा टेलीविजन मार्फत इटा कार्यक्रम मार्फत देखबे तो आर थारू सेन के लागि और जन बेटर हेलो इतना सिर्फ मोरंग में सुनसरी मात्रे ने हावी के पूर्व में चिशिन लाके महाकाली के थारू के सबे के पहचान के समटी के वेशभूषा रहन सहन हर एक चीज के इटा लोप हो हावे नहीं देवे लगना आरो भूमिका करी के इटा टेलीविजन और इटा कार्यक्रम आगो बढ़ावे तो आरो जन असल हेलो इतना बातचीत कर दिले बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे अखनी हमारे संगे बातचीत जोड़ी रहा छी जे कि थारू फिल्म के एक व्यस्त नायिका लक्ष्मी चौधरी जी वे कोई ना अभी के एक टेलीविजन में भिजे भी छी जे कि एक पत्रकार भी कहे ओकरा मिलती जे कि वे कोई ना अभी के लक्ष्मी चौधरी जी रहला छली बनिया बनिया सलाह सुझाव दिल की ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहछुन। कार्यक्रम में हमें एक चुमा व्यापारिक विश्राम लेबे चाहछुन। कार्यक्रम के दोसर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तुरिसियान के मनपसंद थार भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छू हमें तुरिसियान के संग हमें नीरज खवास तोसिन प्रत्येक हफ्ता के रवि दिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक देखे सकते वही करी के पुनः प्रसारण तोरसिन सोमदिना 3 बजे से 4 बजे तक भी देखे सकते इना टेलीविजन कार्यक्रम से तोरसिन नहीं देखे सकल जनता तोरसिन अवश्य भी यूट्यूब चैनल से भी तोरसिन देखे सकते जे कि यूट्यूब चैनल में तोरसिन एरिना टेलीविजन सर्च करके तोरसिन वीडियोज में जेब तो अवश्य भी हमारे समाज कार्यक्रम सवेरा एपिसोड तोरसिन देखे सकते कमेंट कर सकते सलाह सुझाव देवे सकते। आज हमें स्पार्क एडवर्टाइजिंग के स्टूडियो में प्रांगण में हमें उपस्थित छू जे कि आज ये थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के
कमनी आज बैठक आबि रहल छी जे कि बहुत जल्दी थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर एकटा थारू के थारू समाज के लागि एकटा प्लेटफार्म निकाली रहल छी जे कि एकटा प्लेटफार्म रहल छी थारू आइडल कहि के निकाली रहल छी कमनी थारू समाज मे अपन प्रतिभा गायन प्रतिभा घुसकलना प्रतिभा के निकाले के प्रयास मे छी थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर आज एतकरा एटा बैठक में जे कि थारू कलाकार सम बहुते कलाकार सम आज उपस्थित छिन आज एटा में सलाह सुझाव के रूप में छलफल करी रहल छी जे कि यहाँ क्रम में फेन से हमें सलाह सुझाव के लागि हमें आरेक जना कलाकार के हमें एते हमर संगे बातचीत जोड़े चाह छुन जे कि कोई ने आबी के एकटा थारू समाज के थारू फिल्म के एकटा नायक आर समाजसेवी रहल छी जे कि वे कोई ने आबी के प्रयाग कुमार हजारी जी रहल छी हमें ओकरा कार्यक्रम में स्वागत करे चाहे प्रयाग जी स्वागत छै कार्यक्रम धन्यवाद कुन में व्यस्त छै हमें तो अखने सामाजिक काम में व्यस्त छै अखने सामाजिक काम कले किने खलक काम करी रहल छै समाज में और समाज में तो विभिन्न किस्म के सामाजिक काम सब रहल छै जने के आ कोनो गांव घर में कोनो चीज के आवश्यकता है जने के बाटो घाटो एता होती हेन तेन उना सोरा के सामाजिक काम कछे तो वहन सो में अखने व्यस्त छै अखने हमें देखि आज हमें स्पार्क एडवर्टाइजिंग के प्रांगण में देखि रहल छु जे कि आज एते थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के बैठक आबि रहल छै जे कि थारू समाज में घुसकल गायन इना के निकाले के प्रयास में छी थारू कला प्रतिष्ठान कुन कहे जा छै इटा थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के बारे में वास्तव में कहबा त हमर से के थारू जाति सो के कलाकार सो बहुत से कलाकार लेकिन ओकर सा के माने ठाउ प्लेटफार्म ओकर सा के नै भेटि रहल छै तो वएह से हमर सा इटा थारू कला केन्द्र से जे हमर सा अखने स्थापना करनिस उटा से हमर सा देश भरि के थारू जाति के माने कलाकार सो के एक मुष्ट कर लगने हमर सा इरा उकर लछिन आ हमर सा बहुत जल्दी माने थारू जाति में तो बहुत किस्म के माने कला प्रतिभा सो छे लेकिन से हमर सा विस्तार अखने भरखर हमर सा निर्णय हावी रहल छे उटा के हमर सा थारू आइडल अखने एकटा बहुत जल्दी हमर सा के माने करि रहल जा रहल छे हमर सा त हमर सा बहुत जल्दी हमर सा इटा थारू कला केन्द्र से हमर सा नेपाल भरी के जतने गायन क्षेत्र में कलाकार सब छे अपन प्रतिभा देखा लगने हमर सा बहुत जल्दी हमर सा थारू आइडल करे जा रहल छिन आउ हमर सा बहुत जल्दी इटा थारू आइडल करबे जे देश भरि के थारू जाति सब के गाना अपन वॉइस देती इटा में हमर सा अखने करे जा रहल छिन बहुत जल्दी कुन इटा थारू आइडल में इना थारू समाज के गीत मात्र समावेश हेती कि आरो आरो भाषा के गीत समावेश आउ इटा में त अखने आउ थारू के उकरल छिन अखने इटा में त प्राय जसो हमर सा थारवे के लागि उ करल छिन त इटा में अखने थारवे के गीत सब अखने उ हेते देखि बातचीत कर देले बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहै छी अंतिम में थारू भाषा कार्यक्रम टेलीविजन से पहिन कर बेर प्रसारण हाबि रहल छी हमर समाज नामक थारू भाषा कार्यक्रम कुन कहे चाहै छी इटा कार्यक्रम के बारे में नै इटा कार्यक्रम बढ़िया चलोस दिन प्रतिदिन प्रगति करोस कहीं के शुभकामना हम देवे चाहन बातचीत कर बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन आदि दर्शक दिन सब हमारे संगे अखने बातचीत जोड़ी रहा छी जे कि एटा थारू भाषा के फिल्म के नायक तथा ओहने करी के समाजसेवी प्रयाग कुमार हजारी जी हमारे संगे बातचीत जोड़ी रहा छी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन जे कि फिर हमें एकजना संगे हमें बातचीत जोड़े चाहन जे कि कोई नहीं हाबी के एडवांस FM के एक कमी घर एंगन थारू भाषा कार्यक्रम के संचालिका आर ओहने करी के थारू भाषा के गीत संगीत के गायिका रहल छी राजकुमारी चौधरी जी रहल छी हमें ओकरा स्वागत करे चाहछु कार्यक्रम हमर समाज में राजकुमारी स्वागत छु सबसे पहिने त गोर लागै छी गोर लागै छी गोर लागै छी कुन में व्यस्त छै अखने त हाल हमें एडवांस FM में व्यस्त छिन आर कालु भरखरे हमरा से के नेपाल पत्रकार महासंघ में एकटा मैदान में उतरने कहियो नि जे कि खेलल छले ई खेल फुटबल र कालू खेलने तीन दिन हमरा से ट्रेनिंग दिल के आ होने करी के हमरा से तीन दिन के ट्रेनिंग में कालू सफल भी है ने हमरा से एकदम बहुत खुशी लागल छे जे कि एक कार्यक्रम संचालिका मात्र नहीं कि एक अखने खिलाड़ी भी कहल जी जे कि गायिका भी किन खल गीत करे में रुचा अखने कहम त नहीं हम एक थारू भाषा में कहबे तो एक हम
एक तो हम सप्तरिया थारू छे तर पनि हमें एक मामा घर दिशन रहिके जे एक मरंगिया थारू के एक विभिन्न एक कहम ने एक पॉपुलर एफ एम में पहले हम आरजे के रूप में काम करे तेना करके एक हमरा एले एड बनाइले तो एक विवेक इंटरप्राइज दुबी के एड से लैके हमें अखने एत तलिक पुगलिए कि जे कि हमें गायिका तलिक पुगलिए एक एड के कारण से है हमरा जत तलिक था नहीं कि एक एड के कारण से हम एत तलिक पुगबे वह अनुसार से हम एक एड करलिए तैके लेल हमें एक गायिका भी भेलिए आजू से हर जोत में हमें दुईटा गीतों गाबलिए गायिका में साथ दिलिए गोटलू खबासा हम राजकुमार के आवाज में रहल छे आ तेना करके इटा गीत एकदम हिट भेले आज छे हमरा हर जोते में टाइटल पनी गीत गाबलिए हो हिट भेले र सुन 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 तोरे याद में हो एकदम सुन सुन राय कृति गुनगुना दैनी सुन 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 तोरे याद में धड़क छी हमर मन सुन 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 तोरे याद में तड़प छी हमर मन तोरे याद में सुन 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 तोरे याद में धड़क छी हमर मन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन एकदम बढ़िया स्वर छु आर गीत करते जेहन शुभकामना देवे चाहन जेकि आज स्पार्क एडवर्टाइजिंग के स्टूडियो में उपस्थित प्रांगण में उपस्थित छे जेकि आज थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के आयोजना में हावी रहा थारू आइडल के बैठक बैठी रहा छे कौन कहे चाहे इटा थारू आइडल के बारे में आर थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के बारे में हमरा से जत तलिक लागे छे ने ई थारू आइडल अखने तलिक हमरो के ई नेपाल में नहीं आयल छे पूर्वांचल से लैके पश्चिमांचल तलिक तर हम के कहम ने एक उठान करने कि जे कि हम के थारू भाषा के भी एक आइडल आनबे तो बहुत बढ़िया हेतु आ जेना कि नेपाल आइडल से इंडिया में आइडल से तर थारू आइडल नहीं है जहाँ तलिक हमरा लागे थारू आइडल बहुत तलिक अगा बढ़े के जखा हमरा से एकदम लागे आ इटा थारू आइडल के लागि अगा बढ़ाए के लागि तो सब कोई तो हम के एकजुट अवश्य भी हेले पड़ते आ तेना करके हम के जत तलिक हम के एकदम जोड़ तोड़ से एकदम लागल छे आ तेना अपन व्यस्तता के कारण से भी हमें इटा मीटिंग अखने तलिक मिस नहीं करने जहाँ तलिक हमरा लागे कि आबे वाला पीढ़ी सब भी ई थारू आइडल में आबि के बहुत मीडियाकर्मी सब के सहयोग पुगैते आ जेना अपन एक घर अंगना में आयल थारू और के कथिले कि गायन क्षेत्र अगा नहीं बढ़ल छे कथिले नहीं बढ़ल छे कि ई बहुत हमरो के फेस्टिवल सम छे थारू में जतेक और जातीय सम में फेस्टिवल नहीं छे तथे हमरो के थारू कल्चर में बहुत फेस्टिवल सम छे र ई सम के उठा के हमरो के गीतो सम बहुत गाबने छे तेना जितिया के भेले माघी महोत्सव के भेले होली के भेले सिरुआ पावन के भेले आ तेना करके तिहार के भेले दसैं के भेले सब के जोड़ के ई गीत सम अगा नहीं बढ़ल छे कथिले कि नहीं बढ़ल छे कि राष्ट्रीय गीत पनि छे आ तेमे अगा नहीं बढ़ल छे ई सम के गीत सम के उत्थान करे के लागि हमरो के एकटा छी थारू आइडल खोलने छिए र बहुत आबे वाला पीढ़ी सम के भी एकदम सहज हेतु कि हमरा से जहाँ तलिक लागे बातचीत कर दिले बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन अंतिम में इटा टेलीविजन मार्फत से प्रसारण आबि रहल थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज के बारे में कौन सलाह सुझाव देवे चाहे कौन कहे चाहे हमरा से जत तलिक लागे कि अपन गाम घर में समाज में छी कथिले कि आप जे सांस्कृतिक छे जे समेट के आनने छे पूर्वांचल से लैके पश्चिम कतौ के थौर हो चाहे हम के थौर तो एक छे ने पूर्वांचल से लैके पश्चिम तलिक हम के जे हो कतौ के छे तो थौर तो थौरे भलिए तर अपन जातीय के हिसाब से भी हम जे लागे कि थारू कला केन्द्र में हम के अगा बढ़ेले पड़ते र आबे वाला पीढ़ी के नया नया सिप सम अवश्य भी सिखैले पड़ते आ गायन क्षेत्र से लैके डांसिंग क्षेत्र में भी जे इच्छुक छे ओकरा आगा अवश्य भी आनैले पड़ते क्योंकि हमरा जहाँ तलिक लागैए अपन समाज में हम ई कहे चाहे छे कि अपन जे कला छे उ घोसारि के नहीं राखबे कथिले कि घोसारि के राखबे त अपन कमी कमजोरी सम था नहीं हेतु वैसे आगा बढ़े के लागि हमरो के ठाम ठाम में एफ एम सब में हमरो के वितरण करबे करबे ई हमरो के फॉर्म सब खुलाइबे र हमरो के जते तलिक हेते हमरो के मीडिया कर्मी सब के हम सहयोग लैके हमें ठाम ठाम में ई पेश करबे आ आबे वाला संग साथी सब के भी हम जानकारी दे के लागि एकदम
अपन मन से आ इच्छा से संग साथी सब के भी हम कहले चाहे छी आ कहते भी एल छी र अपन फेसबुक में भी हम देने छी आ अपन पेज सब में भी अवश्य डालने छी कि जहाँ तल के हमरो के पूर्वांचल से लेके पश्चिम अंचल तल के थौर सब अवश्य भी ये ते के हमरा एकदम पूर्ण आशा छे अपन मन से एकदम आशा छे कि हमरा लागे ये कि आपनो के थौर में जते फेस्टिवल सब छे ई सब के लागी और आगा बढ़ेबे त बहुत बढ़िया है ते के हमरो के ई थारू कला केंद्र में छे सब के आबद भ के एकजुट भ के हिम्मत के साथ काम कर रहल छी बातचीत कर दिले बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछुन आदरणीय दर्शक बिन सम अखने हमें बातचीत करि रहल छली जे कि राजकुमारी चौधरी जी संगे ओ कोई नै हाबी के एकटा पत्रकार कार्यक्रम संचालिका ओइन करि के गायिका भी रहल छली वे बनिया बनिया सलाह सुझाव देलकी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछिन प्रत्येक हप्ता के रविदिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक ओइन करि के पुनः प्रसारण तोरसिन सोमदिना 3 बजे से 4 बजे तक भी देखे सकछै इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज जे कि हमर समाज में अखने एकटा छुमा व्यापारिक विश्राम लेबे चाहछुन फिर से स्वागत करे चाहछुन तोरे सियान के मन पसिन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में प्रत्येक हप्ता के रविदिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक ओइनन करी के पुनः प्रसारण तोरसिन सोमदिना 3 बजे से 4 बजे तक इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज हमें नीरज खवास के साथ में देखे सकते आज हमें स्पार्क एडवर्टाइजिंग स्टूडियो के प्रांगण में छुन जेकि आज ये थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के बैठक हाबी रहल छी जेकि इटा बैठक कुनो नै हाबी के एकटा थारू कला प्रतिष्ठान बहुत जल्दी थारू समाज में घुसकल गायन प्रतियोगिता के गायन के निकाले लगना ओकर छिन एक थारू आइडल निकाले के प्रयास में छी यहाँ के बैठक बैठी रहल छी यहाँ के बारे में आज हमें गपशप करी रहल छु जे कि आज इटा फेन से गपशप इटा थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के बारे में गपशप के लगिन हमर संगे जोड़ल छी जे कि कोई नै हाबी के गायक तथा संगीतकार ओइन करी के थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के कोषा अध्यक्ष भी रहल छी वे कोई नै हाबी के प्रबलदीप विश्वास जी रहल छी ओकरा में कार्यक्रम में स्वागत करे चाहछिन प्रबलदीप जी स्वागत छु कार्यक्रम धन्यवाद नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद कुन में व्यस्त छ अखने कसिन गीत संगीत के ही क्रम में सुन हमें रिकॉर्डिंग के काम में व्यस्त सुन अखने हमें ओकर बाहेक भी जन के कनिन बच्चा सके क्लास लेबे के ना काम सो ट्रेनिंग हावी रहल छ वास काम में व्यस्त सुन अखने हमें प्रबलदीप विश्वास पूर्वांचल में एकटा चमकल गायक तथा संगीतकार सही छ कि झूठ छ अब उटा तो हमें अपन मुख से किन के कहबे ने अब जे दर्शक श्रोता से के जे बुझे उटा तो ओकर सा के लागि छोड़ी देला छिन हमें अखन तक किन रिस्पोंस पे आरल छ दर्शक संगे जे होस हमें बहुत खुशी छुन क्याम कि 20 वर्ष लगभग मतलब भागल बीती गल से इटा क्षेत्र में हमें कंटिन्यूटी अखने विभिन्न भाषाभाषी के गीत सब रिकॉर्डिंग करते आबि रहल छिन जिनके थारू राजवंशी मैथिली भोजपुरी हिंदी मैथिली अंग्रेजी नेपाली निमाड़ी मारवाड़ी लगायत बहुत भाषा में गीत भी कर लछुन हमें वह फिल्म समय भी संगीतकार हमें भाई के काम कर चुकल छिन अब अखने हमें कजिन उन्हें शॉर्ट मूवी ना भी बना रहा छिन जे नया नया प्रतिभा से के हमें मौका दे रहा छुन साथ साथ कवर सॉन्ग के काम सभी कर अखने हमें जे कि प्रबलदीप विश्वास कहनी बहुत्या गीत करी के बहुत्या अवार्ड भी जीतल छी पैनकर बेर अवार्ड जखने पेल है तखने उटा स्टेज में कि नहीं हेल छे वास्तव में अब अवार्ड पावे के मतलब हेले कि आदमी के एक प्रोत्साहन स्वरूप इटा अवार्ड पुरस्कार उटा पेला से गर्वे लाग से आदमी के खुशी लाग से हमरो खुशी लागल छले ने इटा मैथिली गीत में भेटली छला हमरा कोना करबे यो प्रेम सफल दीप नारायण राजवंशी के रचना का रचनाकार छले इटा गीत में आ इटा गीत के गायिका सुनीरा चौधरी तथा गायक हमें प्रबलदीप विश्वास साथे कंपोजर भी हमें छिन इटा गीत के जे कि एकटा स्पार्क एडवर्टाइजिंग भी खोली के बैठी रहल छै किन इटा कुन छि कि इटा स्पार्क एडवर्टाइजिंग किन खलक स्टूडियो छि कि किन खलक उत्पादन कर छी इटा स्पार्क एडवर्टाइजिंग स्पार्क एडवर्टाइजिंग इटा हमरा के स्थापना हेल 5 वर्ष में जा रहल छे हमरा से जतना भी कला क्षेत्र के
मात्र नहीं हाबी के जिन्हें के मार्केटिंग क्षेत्र में जिन्हें के अब कॉलेज के होटल के लगाए तो बहुत व्यापार व्यापारी लाइन के जैसे कि उससे के विज्ञापन के मार्फत हमरा से के उससे के प्रोडक्ट के बारे में इनफॉरमेशन देसिन रेडियो टीवी में विज्ञापन बजाचिन और कुछ के जिंगल सब से रिकॉर्ड कर छिन होर्डिंग बोर्ड के लागी उस डिजाइन सीजन सो हमरा से के बना छिन वह न छिके इटा के हमर से के एडवर्टाइजिंग के काम वह बगस से चली रहल छे अखने जेके बहुत थारु गीत संगीत भी कर सकल छे बहुत सम्मान भी पेल छे इटा थारु समाज से एकटा तोर मन परले एकटा गीत गुनगुना दे इटा गीत आज से लगभग 10 वर्ष पहिने थारु चलचित्र जिंदगी के डगर एक संघर्ष के कथा इटा फिल्म के गीत छे कि राम नारायण खां के लिखला गीत उटा हमें एकदम मसल लाग्छ यह बैसाख में करहुन हो तोरै से सकाटी नै हम मांग हन दान दहेज मांगिले हन तोर हाथ यह बैसाख में करहुन हो तोरै से सकाटी नै हम मांग हन दान दहेज मांगिले हन तोर हाथ यह बैसाख में है एकदम बढ़िया गीत जे कि इटा गीत हमें सुन लीजिए कि इटा अपन सी के थारू समाज के लागी एकदम एक उदाहरणीय गीत लखा छी जे कि अखने अपन सी के समाज में कहम दान दहेज के बारे में एकदम विवाद हावी रहल छी कि दान दहेज नहीं है छी त छौरी सब एक रति कहम नी बियाह हेल नहीं जैसी कुन कहे चाह इटा के बारे में वास्तव में दान दहेज लेना एक बहुत अपराध आपराधिक कार्य छिके क्योंकि ब्याह शादी करना के मतलब छिके एक परिवार से दोसर परिवार के संबंध जोड़ना तो दान दहेज लेना बहुत खराब काम छिके इटा चीज के हम सके निरुत्साहित करना चाहिए समाज में दान दहेज के विरुद्ध में हमरा सके अगाड़ी बढ़े पड़ते वास्तव में इटा गीतों से कंजिन इटा मैसेज दे रहा छे हाँ देखिए गीत संगीत के बारे में हमें के चिंतो सिंह रोके चाहछुन हमें आवे चाहछुन थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के बारे में किन खलक संस्था छ कि कुन खलक सोच छ आगामी दिन के एटा थारू कला प्रतिष्ठान के एकटा कोषाध्यक्ष हाबी के किन के आगु बढ़ावे के सोच में छ थारू कला प्रतिष्ठान बहुत ही यंग हमर सके युवा जमात से के एकटा ग्रुप टीम छ कि सबको एनर्जेटिक छ सबके अपना अपन क्षेत्र में विशेष करी के कलाकारिता क्षेत्र में काम करी रहला से हमर सके व्यक्ति सब छ जिन कि अध्यक्ष जी देवकृष्ण विश्वास ओहिरंग मीडिया क्षेत्र में काम करी रहला एलन गस्तार वहा बगन राजकुमारी चौधरी कृष्ण चौधरी रामचंद्र चौधरी कृष्ण डीजे क्राइसिस ना लगायत सब व्यक्ति सब जैसे जितना भी सब कलाकार सचिन ना तो खास करी के थारू कलाकारी क्षेत्र के देखबै तो इटा परापूर्व काल से चली एल से अखने आबी के थारुओ ना कजिन टाठो बाटा हिले से तो कुन कर से तो फिल्म बना से अखने लगभग थारू सिनेमा के लगभग बेसी नहीं हिल से ओकर इतिहास देखला से 15-20 वर्ष ज्यादा नै हाय पावे मतलब कुन छ कि फिल्म बन छ लेकिन फिर भी सोसाइटी में कलाकार सके लागि उतना मान सम्मान नै छ अखने न सम्मानित गर्ल नै जे छ उटा एकदम राइट वे में चली नै रहल छ बहुत फिल्म बन छ थारु मतलब कुन छ राजधानी तक नै पहुँचे पेसे न उना गीत संगीत आदमी समुदाय के अगाड़ी बढ़ाने नहीं पेचे तो हम सके एटा कला प्रतिष्ठान के मार्फत से कम थारू संस्कृति के जगरना हाउस कह के इटा हमरा से खड़ा कर लसिन साथ साथे कलाकार सके उचित सम्मान एकटा उचित कदर के लागि इटा खोल लसिन हम सके जल्दी जिनके थारू सिंगिंग आइडल करे जा रहा छिन हमरा सके पूर्व मेची से लाके पश्चिम तक जितना भी थारू सोसाइटी समुदाय में मतलब घुसकलना जे प्रतिभा सच जे कोई प्रतिभा हावी के भी जन के आबिने पेशे अगाड़ी
कोई पैसा के कारण से कोई सामाजिक कारण से तो बहुत कारण हेते हुए भी अगर जे नहीं आवे सकते लगे एक हमारे बढ़िया प्लेटफॉर्म देवे ताकि रहसुन कम से कम इटा प्लेटफॉर्म से कम अपन टेलीविजन में अथवा श्रोता समय के आब मतलब आगू में हुए आवे सकते ने तो वह किस्म के हमारे काम कर रहें और थारू कला प्रतिष्ठान इतना मात्र नहीं जिन्हें कि स्वास्थ्य शिविर के भी काम कर सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सहयोग पुगा रहा बेला बेला में स्वास्थ्य शिविर के काम कर बेला बेला में बाढ़ी पीड़ित सके भी सहयोग कर जे हो समाज में एक सामाजिक काम करते हमारा से आगू बढ़ी रहें वह किस्म से थारू कला प्रतिष्ठान आगू बढ़ी रहें उतना से कह चाहूँ हम एक बातचीत रोके चाहन तोर संगे आदिन दर्शक बिन सब तोर देखी रहा है अखने एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से आर ओइन करी के डोइन टीवी क्लियर टीवी सिम टीवी मार्फत आर www.erinatelevision.com.np लगन करके तोर संसार भर देश भर हमर सिंह के विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से भी देखे सकते हमें बातचीत जोड़ी रहा छुन अखने गायक तथा संगीतकार ओइन करी के थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के कोषा अध्यक्ष प्रवलदीप विश्वास जी संगे हम एक फिर से स्वागत कर चाहछुन प्रवलदीप जी फिर से स्वागत धन्यवाद नीरज जी एटा थारू सिंगिंग आइडल कते कते के लक्ष्य छी एटा के ऑडिशन अखने हमरा सके प्लानिंग करे रहछुन जिने कि फर्स्ट मोरंग में विराटनगर में ओकर बाद सुनसरी के लागि हमरा सके इनरवा में वह क्रम से हमरा का जे पश्चिम तक पूर्व में जिस लाग पश्चिम तक अब किसिम के हमरा सके राखे वाला छुन जेना कि नारायण घाट हेले चितवन हेले वह भग सुदूर पश्चिम बारा पर्सा अब उठा प्लानिंग में छन अब देखते जाऊँ कितना सक्सेस है छी सक्सेस तो हबे हेबे करते जिनके भी हर हालत में सक्सेस करे पड़ते सक्सेस हेबे करते मगर आप कते कते कुन हिसाब से करबे कहीं उठा के प्लानिंग में छुन हमरा का जे कि पूर्वांचल में विराटनगर इनरवा जे कि एकटा जिला के लागि एक ऑडिशन नहीं ऊ रंग कौन से कि अब एक क्षेत्र के समेटे पोड़े जिनके अब पूर्वांचल नहीं कहे अखने त प्रदेश भैगल से प्रदेश नंबर एक प्रदेश नंबर कजिन बड़का से बड़की हिसाब से कजिन हमरा सके दुई ठाम एक दिन नहीं भ्यावे सके के कारण से दुई ठाम हमरा सके रहे के योजना से आर आर क्षेत्र में तो अब देख किरें प्रतिक्रिया ये वह बगन हमारे प्लानिंग हेते एटा थारू सिंगिंग आइडल किन अपने सके थारू समाज के गीत संगीत के आरो भाषावासी के गीत संगीत हेते एटा थारू सिंगिंग आइडल इटा में अपन सके थारू गीत संगीत छेबे करे नेपालियो गीत करे के ऊ छे इटा में अलाउ छे क्योंकि नेपाली या थारू के संगे संगे लाजी पड़ते इटा के दोनों के अब थारू करला से थारू के प्रमोशन तो कर ही पड़ते ना तो लेकिन कजिन वेरिएशन नहीं आवे के कारण से वेरिएशन के लागि हमरा से कजिन नेपाली गीत के सेहो गावे के अलाउ करे पड़ते नेपाली गीत के भी अलाउड कल है कम थारू आइडल रखले न त खास करी के नेपाली आइडल त हेते रहछे ने एक साल दुई साल में हेते रहछे बहुत ठाम में मतलब थारू आइडल नहीं हेछे काम कि थारू से के अखन तक नहीं देखला सुन कोनो आइडल तो इटा चोटी पहलो चोटी हमरा से के प्रयास में सुन तो खास करी के जे हमर से के लक्षित टारगेट से उटा थारू समुदाय के ही बचा बुचीना थारू समुदाय के युवा सब इटा में आवोस कह के ओकर से के प्रतिभा के विकास होस कह के हमरा से के खास करी के थारुए के टारगेट करी के इटा प्रोग्राम बनल छिन से खातिर थारू आइडलो नाम रखल छिन उरेंगे बुझे पड़ले जेकि एटा कहिया तक में पर्सन हेती कुन सोचल छे हमर सके आब एटा पुस के पहिलो हप्ता से हमर सके ऑडिशन शुरुआत हेते एकदम 100% के साथ एकदम एकदम जेकि तैयारी लगभग भए गेल छु तैयारी लगभग अंतिम अंतिम चरण में छी आब प्लानिंग के हिसाब से हमरा से जाय पड़ते किनन छु मेंबर एटा में किनन खलक मेंबर छु साथ देवे वाला मेंबर छु कि धोखा देवे वाला मेंबर छु कुन सोचल छ इटा के बारे में हमर सके जतना भी टीम छिन हमरा का सबको एकदम एक्टिव छ सबको हमरा सके एकदम जोश जागर के साथ अगाड़ी बढ़ रहल छिन उटा में दुई मत नहीं छ र हमरा सके एकदम सफल हेवे करबे के उटा के हमें विश्वास छ जे कि इटा थारू आइडल बहुत जल्दी आबोस सफलता मिलोस
बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहछन। अंतिम में इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज के बारे में कुन कहे चाहछ? हमर समाज इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज इंडिया टेलीविजन में छे। इटा बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम छे, क्या कि थारू सोसाइटी में जितना भी कार्यक्रम है छे, जितना भी घटना है छे, इटा एरिना टेलीविजन के मार्फत प्रसारण हावी रहल छे। बहुत ही खुशी लाग्छ हमरा, कम से कम थारू हो भाषा के गीत संगीत बच्चे थारू सोसाइटी के खबर सबर प्रसारण है छे। बहुत बहुत हमें धन्यवाद देवे चाहूँ नीरज खवास जी के और एरिना टेलीविजन के, जे इनके थारू सोसाइटी के अगड़ी बढ़ा रहा छे, थारू कल्चर के डेवलप के लागि एक बाटो देखा रहा छे। इटा लागि हमें एकदम बहुत बहुत खुशी छूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ सम्पूर्ण टीम के। व्यस्तता के समय भी हमर संगे बातचीत कर दिले, बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ। आदिने दर्शक बिनसम हमर संगे अखने बातचीत जोड़ी रहल छलिए, जेकि गायक तथा संगीतकार ओइनंग करी के थारू कला प्रतिष्ठान विराटनगर के कोषाध्यक्ष प्रवलदीप विश्वासी, ओकरा फेन से बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ। तोरसिन के एटा कार्यक्रम किनंग लाग्छु, कुना सलाह सुझाव छू जन त अवश्य भी तोरसिन सलाह सुझाव देवे सक्छ। सलाह सुझाव के लागि टेलिभिजन स्क्रिन में तोरसिन के लागि यहाँ नंबर ना दौड़ी रहल छु, यहाँ नंबर में टेलीफोन करी के तोरसिन सलाह सुझाव देवे सकते। आर इटा कार्यक्रम के लागि गीत संगीत के लागि एकदम आवश्यकता छ, तोरसिन के कुनो भी म्यूजिक वीडियो छू जनता, कुनो भी फिल्मी गीत सम छू जनता, तोरसिन अवश्य भी यहाँ दौड़ी रहा नंबर में संपर्क करी के बुझावे सकते। इटा कार्यक्रम हमर समाज मार्फत हमें ठाम देवे करबू तोरसिन के गीत के लागि। एक घंटा तक कैमरा दिशन साथ दिल के हमारा जयप्रकाश राजवंशी जी, ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछन। दोसर हप्ता भेटे के बाचा राखते आज हम इटा कार्यक्रम से विदा हेबे चाहछन। नमस्कार, देखते रहन एरिना टेलीविजन।